अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ अकबर हुसैन और आज मैं आया हूँ अपने दोस्त शारिक के साथ सोहराब गोथ सोहराब मंडी जो समझी जाती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी काऊ मंडी। और शारिक भाई आप बताएं अपने बारे में कुछ ज़रा। हम यहाँ मंडी के अंदर आए हुए थे तो हमने काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी सारे जानवर को देखा, तो हमने काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी बड़े बड़े जानवर देखे। तो हम लोगों ने जो है सबसे बड़ा जानवर जो है मंडी का जो है वो आज हम लोगों ने ख़रीद लिया है और जिसे लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब हम अपने इलाके में अपने घर के पास लेके जाएंगे। ना सिर्फ घर वाले बल्कि इलाके वाले बल्कि हमारा पूरा एरिया भी जो है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, भाई ने बहुत बड़ा जानवर खरीदा है जो बहुत बड़ा जानवर है। इनसे इंस्पायर होकर मैंने भी वो जानवर लिया क्योंकि हमें अब ऐसा खतरनाक और ऐसा बड़ा जानवर आपको दिखाने वाले हैं हम, जो हमने आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार हमने इतना बड़ा जानवर खरीदा। और इत्तेफाक से दोनों जो है हमने सेम जानवर लिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के बाद वो जानवर जो है हम लोग आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो आप भी खुश होंगे और नीचे ज़रूर माशाल्लाह ज़रूर लिखेंगे, माशाल्लाह ज़रूर आप देख के माशाल्लाह। नाजरीन, इस बार जो है सोहराब गोथ मंडी में बारहसिंगा हिरन भी आए हुए हैं। तो बस शारिक भाई से मेरा एक सवाल है कि ये बारहसिंगा के मैंने सिंह हमेशा गिने हैं, कभी 12 नहीं होते हैं। अच्छा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं देखने के लिए आया तो जब मैंने देखा तो ये 12 तो नहीं, इसकी तो 10 सिंगे हो रही हैं, तो पता नहीं हम क्यों इसको बारहसिंगा बोलते हैं। तो ये ऑडियंस से सवाल है, इसको बारहसिंगा कहते क्यों हैं? हाँ चले, आप ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम यहाँ मंडी आए जैसा को मालूम है। तो ये दो नन्हे नन्हे बच्चे मुझे मिले और मैं इनसे पूछूंगा ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बड़े तफरी कर रहे हैं, इनका पूरा ग्रुप आगे खड़ा हुआ है। तो भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं, मतलब क्या चक्कर लगाया हमने? अभी चक्कर लगाया, इंजॉय किया, अपने सेट पे करा क्या क्या हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, आप कराची में रहते हैं? हाँ। अच्छा, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ चक्कर लगाने आए। चक्कर लगाने के तो पार्क वार्क बहुत सारी जगह, यहाँ आने की क्या वजह है? इधर मंडी पे आए हुए, पार्क बहुत गया है। तो मंडी में मज़ा वज़ा आया या नहीं आया? बोरियत हुआ है। सबसे बड़ा जानवर आपको कौन सा लगा? ये वाला। जैसे तुम्हारे सामने तुमने बोल दिया ये वाला, उसके अलावा कोई जानवर नहीं था? नहीं था। अच्छा, और जानवर महंगा है सस्ता वस्ता है? महंगा है, बहुत महंगा है। कितने का? सबसे महंगा जानवर कितने का देखा आपने? महंगा या सस्ता? महंगा जानवर 50-60 लाख का। 50-60 लाख का? हाँ। तो दिल जा रहा था खरीदने का? हाँ। क्या कब खरीदोगे फिर? कल खरीद लोगे? हाँ, तुम भी खरीदोगे? कितने का जानवर खरीदोगे तुम? हम 60 लाख का खरीदेगा। हाँ। पक्का? सच बता रहे हो? पक्का। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ 1 करोड़ वाला जानवर ले लूँ। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा तुमने बात कर। तुम लोगों का नाम क्या वैसे? नियामत खान। और तुम्हारा? अमीदुल्ला। चलो टाटा करो जानवर को नीचे फटाफट। ठीक है, थैंक यू। आपको कैसे व्यापारी के पास लेके जाते हैं जो दावा कर रहा है कि हमारा जो जानवर है वो मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, और मेरे ख्याल से ये वाकई मंडी का सबसे बड़ा जानवर है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और शारिक भाई भी हमारे साथ हैं। हाँ भाई। जी भाई, तो आप ये दावा कर रहे हैं ये मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, आप कैसे दावा कर रहे हैं मंडी का? जी भाई बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइम अल सैयद कैटल फार्म के ऊपर ब्राह्मण नस्ल का सबसे बड़ा जानवर इस टाइम हमारे कैटल फार्म पे है। तो ये कैसे, मतलब इसके साइज़ को देख के बोल रहे हैं, इसके वज़न को देख के आप बोल रहे हैं? इसके वज़न को भी देख के बोल रहा हूँ और इसके साइज़ को भी देख के बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो वेट है वो इस टाइम लाइफ वेट 40 मन है इसका। तो जी हाँ, और मेरे ख्याल से मैं भी पूरी मंडी पे घूमा हूँ और भी लोग घूमते हैं, कोई भी ऐसा जानवर 40 मन का ब्राह्मण नस्ल का इतनी हाइट वाला कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, पहले एक बात मुझे ये बताएं कि इसके प्राइस क्या होंगे? इसकी डिमांड हम 40 लाख की कर रहे हैं और जो 22 लाख तक इसकी ऑफ़र आई है जो हमने एक्सेप्ट नहीं की है। 22 लाख मेरे सामने एक बंदे ने ऑफ़र की थी इसकी, 22 लाख। तो आप 22 लाख तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आप क्यों नहीं इसको दे रहे हैं? भाई बहुत बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन बात यह कि इसके ऊपर जो हमने खर्च की हुई है तो वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च की हुई है। जब ये हमने लिया था 2.5 साल पहले, एक छोटा सा बच्चा था, 7.5 लाख रुपए का हमने खीरा था जब तब इसको लिया। अब 2.5 साल इसके ऊपर हमने खर्च किया है। अब पर डे इसके ऊपर 2000 का भी खर्चा लगा लो, सारी चीज़ें मिला के, दूध भी पिलाते हैं इसको, घी भी खिलाते हैं देसी घी, तो 2000 के हिसाब से आप 2.5 साल का खर्चा लगा लो तो कितना बन रहा था। अच्छा, जैसे कि आजकल हम लोग सुनते हैं कि आजकल कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं ना, तो ऐसे इस गाय का यानी इस बैल के भी ब्रेकअप हुए या नहीं हुए? भाई इसके तो रोज़ ब्रेकअप होते हैं। रोज़ ब्रेकअप होते हैं, मतलब ये बात समझ में नहीं आई मुझे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो बछड़ियाँ यहाँ से गुजर रही होती हैं उसको देख रहा होता है। शुरू में इनका मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है, फिर वो चली जाती है तो ब्रेकअप हो जाता है। ये बात इनकी सही है कि ये काफ़ी है, जीनियस व्यापारी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप अपने दिलों को थाम लिए, हमको दिखाने वाले हैं जो जानवर हमने लिया है शारिक भाई का और अपना जानवर। आगे आइए ज़रा, आप देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जो हम लोगों ने जानवर लिया है, अकबर और मैंने बिल्कुल सेम जानवर लिया है। आप ये देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे जानवर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और जब हम इसको घर पे लेके जाएंगे तो लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें, छोटे छोटे बच्चे भी आसानी के साथ इन जानवर के साथ खेल सकते हैं। यार अकबर भाई, शारिक भाई, यार आपने फन्ने खानी तो ऐसी की थी, पूरी कौम को मायूस कर दिया आप लोगों ने। यार हम तो निकले थे चिकन बिरयानी खाने, तो कौवा बिरयानी मिली। आप लोगों ने बात तो बड़ी बड़ी की थी यार, क्या आप बहुत बड़ी गाय लेंगे? ये क्या है, मतलब क्या गुर्बत ने और महंगाई ने आपकी भी हालत ढीली कर दी क्या? असल में ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको समझने में थोड़ा मुश्किल होगी। जैसे कि आपको पता है, बड़ी महंगाई हो गई है, तो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, तो गाड़ी वाले बड़ा किराया मांग रहे थे। तो हमने रक्षा वगैरह किया है, तो हम सोचे थे यार रक्षा हमने किया महंगाई के दौर में, तो उस रक्षे में गाय को लेके कैसे जाएंगे। तो हमने एक जादुई गाय खरीदी है। इसमें है क्या, इसको इसके मालिक ने कहा है, इस गाय को आप जो है पानी डालेंगे ना, ये बड़ी हो जाएगी। क्योंकि शारिक भाई ऐसे ही कहा है ना।